ओम शांति। जरूर लिखें, एक बड़ी ही दुखद भरी खबर जम्मू कश्मीर की उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से सामने आ रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि 20 साल की एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम आरती देवी बताया जा रहा है, उसने जो है वो अपनी किराए के कमरे में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। ये काफी ज्यादा दुखद भरा अपडेट जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की खबरें अब आना जो है वो जम्मू कश्मीर से लगातार आम होती जा रही है। ना जाने इस पूरे मामले में क्या कुछ वजूहात रहे होंगे, आखिरकार नर्सिंग स्टूडेंट 20 साल की आरती देवी ने ऐसा क्यों किया होगा कि वो जो है वो पंखे के साथ लड़कती हुई अपने किराए के कमरे में यहाँ पर पाई गई है। लेकिन बड़ा ही दुखद भरा ये अपडेट है जो कि आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि उधमपुर की लंबी गली में एक किराए के मकान में रह रही युवती जिसका शव जो है वो पंखे से लड़कता हुआ पाया गया है, और बताया जा रहा है कि ये और इसका भाई जो है वहां पर किराए के कमरे में रहते थे, लेकिन भाई इसका किराया वहां पर अपने घर में गया हुआ था। और ऐसे में ये युवती जो है वो जैसे ही आसपास के लोग इसे ऐसी हालत में देखते हैं, और इससे इसका भाई जब इससे आकर वहां पर ऐसी हालत में देखता है, तो जनाब उसके भी हाथ पांव फूल जाते हैं कि आखिरकार उधमपुर जिले की दूरदराज गांव तहसील लाठी से रहने वाली इस लड़की ने ऐसा क्यों किया है। जानकारी के मुताबिक इस लड़की की पहचान आरती देवी उम्र 20 साल डॉटर ऑफ राजेश कुमार बताई जा रही है, जो कि चप्पड़ लाठी की रहने वाली बताई जा रही है, और जो कि नर्सिंग की स्टूडेंट थी और लंबी गली में किराए के मकान में रह रही थी। और ऐसे में संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे के हुक से जो है वो ये लड़कती हुई वहां पर पाई गई है, जिसके बाद जैसे ही आसपास के लोगों ने उसे वहां पर मोहल्ले के लोगों ने लड़कते हुए देखा, तो जिसके बाद तुरंत पुलिस स्टेशन उधमपुर को फोन किया गया। और ऐसे में SHO उधमपुर रघुवीर सिंह चौधरी जी अपनी पूरी पुलिस की टीम के साथ वहां पर पहुंचे, और उन्होंने शव को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो उधमपुर है जिसे GMC अब बनाया गया वहां पर पहुंचाया गया। और वहां पर पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों के हवाले इस जो है वो शव को वहां पर उनके हवाले किया गया है, ताकि आगे की जो भी रहता है अंतिम संस्कार वगैरह वो किया जा सके। लेकिन बड़ा ही दुखद रहता है क्योंकि आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इसी के साथ साथ रियासी के मोहोर से भी ये खबर सामने आई है कि वहां पर एक 17 साल की युवती जिसका नाम यहाँ पर रोनिका ठाकुर बताया जा रहा है, और उसने भी उसके पिताजी का नाम प्रहलाद सिंह बताया जा रहा है, उसने भी अपनी जीवन लीला जो है वो समाप्त की है। और ऐसे में परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है कि आखिरकार उनकी बेटी ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें जो है वो काफी जो है वो आम होती जा रही हैं। तो ऐसे में हम सब लोगों से ये कहेंगे कि जनाब कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं कि जिससे आपके परिवार में सिवाय आंसुओं के कुछ भी ना है, क्योंकि ये जिंदगी जो है बहुत मुश्किल से मिलती है। और माँ बाप जो है वो अपनी बच्चियों को पढ़ा लिखा कर, अपने बेटों को पढ़ा लिखा कर जो है वो बड़ा करते हैं, और हर एक माँ बाप का ये सपना रहता है कि उनके बेटे उनकी बेटियां जो है पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बने, अच्छा नाम रोशन करें। जिस तरह से उधमपुर जिले की चप्पड़ लाठी से ताल्लुक रखने वाली आरती देवी 20 साल की जिनकी उम्र बताई जा रही है, वो जो है वो एक नर्सिंग की स्टूडेंट थी, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस तरह से उनका साथ ऐसा होगा कि उनका शव जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में एक किराए के कमरे में वहां पर पाया जाएगा। तो आप जनता भी अपने अपने सुझाव इस पर जरूर साझा करें कि आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या हो सकता है। लेकिन हमारी उम्मीद है कि उधमपुर पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच करेगी और पता लगाएगी कि आखिरकार इनकी जो चप्पड़ लाठी की रहने वाली युवती है इसके साथ ऐसा क्या हुआ है, और परिवार को जो है वो इंसाफ मिलेगा। फिलहाल आप जनता आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ करें। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद, जय भारत।